हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्रेजी गेमर। और आज आपके लिए लेकर आया एक और शानदार गेम प्ले हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोस पार्ट वन का। जी हाँ, जो मेरी वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि पिछले पार्ट में किस तरीके से हरमाइनी और हैरी पॉटर बुरे लोगों की संगत से बचते हुए जंगल में अपने कैंप की लोकेशन तक पहुँचे थे। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर कैंप लगाने के लिए गए तो हमें पता चला कि हरमाइनी ने हमें एक छोटा सा टास्क दिया। बेसिकली वो एक टास्क नहीं था, वो तीन टास्क थे। तो वो टास्क हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड जब तक वो टास्क हम कंप्लीट करके हरमाइनी के पास जाएंगे, तब तक वो कैंप के चारों ओर एक ऐसा जादू लगाएगी जिससे कि वो कैंप किसी को ना दिखे लेकिन रॉन को जरूर दिखे। तो पहला टास्क है द मिनिस्ट्री डिटेंशन एरिया। तो ऑब्वियसली मंत्रालय में ही बुलाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें मगलू लोगों को छुड़ाना है। तो पहले आई थिंक 3 या 4 वीडियो के गेम प्ले में अब पीछे मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मगलुओं को हमने बचाया था, जिसमें कि ड्रैगन वगैरह भी आए थे। ओके, वाह, उसे पता भी नहीं चला। भागो भागो भागो, एक छह और हैं। ओह माय गॉड, और बिल्कुल ठीक इनके बीच से निकलना। हल्का सा भी टच हुआ तो ये तुरंत पकड़ लेंगे कि हम यहीं घूम रहे हैं कहीं। ओह मैन, जैसा मैं बोल रहा था। भागो भागो भागो। ये है असली मुसीबत मेरी, क्योंकि तो इनके सामने मैं छुप नहीं सकता। ये हमें तुरंत ढूंढ निकालते हैं। अगर हमने इनविजिबल क्लोक भी पहना होगा तब भी, बाकी लोगों को तो फिर भी हमें टच करना पड़ेगा तभी पकड़ पाएंगे कि हम कहाँ हैं। बट इन लोगों को तो सेंस हो जाता है। एकदम से ट्यून इतनी हाई हुई, मुझे लगा पता नहीं क्या होने वाला है। 1 2 3, तीन बेवकूफ। ओह माय गॉड, बचे बाल बाल। जी क्या हमारे आते ही आते हैं? बिल्कुल सीधे जाना है अभी, पहले देख लें दाएं बाएं कौन है। ठीक है, सीधे जाना है, किसी से टच नहीं होना है। गुड, थैंक यू। जाओ जश्न मनाओ। इस बार ध्यान रखना है, पिछली बार बाहर निकल कर पकड़े गए। कम ऑन, गुड। ओ, अब यहाँ पे मैजिक कैसे उठाऊँ? जैसे ही गैप्स मैजिक उठाने के लिए आऊँगा तुरंत मेरा इनविजिबल क्लोक हट जाएगा और सामने वाला बंदा हमें देख लेगा। छोड़ दो, इतना मैंडेटरी नहीं है। Keep your eyes open. We're not here for fun. We're here to root out mudbloods and other tainting influences. I thought this would be over by now. Surely they should see they ये haven't ठीक a chance. सामने खड़ा है। ओह मैन, ये शायद मूव भी कर जाए। लेट्स होप, वेट करते हैं। I thought this would be over by now. Surely they should see they haven't a chance. कम ऑन, घुस जाए। ओह भाई, कितनी कोशिश की लेकिन नहीं बचे, और सारे के सारे बाहर ही खड़े हैं, देख रहे हो? ओह माय गॉड, लेकिन अंदर नहीं घुस सकते, ये चीज है। ये लोग अंदर गया, गए। आजू बाजू जितने होंगे सारे चले गए होंगे। ओ मैन, ओ मैन, भागो भागो। ये क्या हो रहा है? भागो भागो भागो। ओ ये सेफ है, यहाँ नहीं आएंगे ये लोग, गारंटीड। ओह ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जो लास्ट मैंने मंत्रालय का क्वेस्ट किया था वो भी फन था, बट उसमें क्वेस्ट थोड़ा सा बोरियत वाला था। जाओ ऑफिस सर्च करो, फिर फाइनली अम्ब्रिज के पास जाके हुक रक्स लेके आ। यहाँ के लोग भाग गए ऑलरेडी, इसको बचा लो। जाओ जाओ, भागो भागो, तीन और हैं। और किधर है तीन? सो इन मिशंस में मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत ज्यादा टफ है कुछ। Dark Lord failed last Oh, time.
ये बिल्कुल इसी पोजीशन में खड़ा है कि मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा उसकी स्टिक टच हो जाएगी। ये ले ले ड्रिंक पहले, इधर नजर ही नहीं थी उनकी, While I have no doubt he उसका will फायदा try उठाया। now, the fight ऐसा कई is बार far करना from ही पड़ता है। over. ओके Even that pot of knows. Thank you. भागो आंटी Thanks जल्दी। from all of us. ओ, फिर से ये इसी तरफ मुड़ गए, देखा उसकी स्टिक देखो। हाँ इन्हें कहीं ना कहीं से कुछ तो आभास हुआ है कि कोई ना कोई है पक्का, एंड कोई ना कोई से मेरा मतलब हैरी पॉटर के बारे में। गुड, ये खुद ही चले गए, इससे अच्छा क्या होगा भाई। दो और सिर्फ दो। ओ मैन ओ मैन ओ मैन, ये सेंस कर सकता है ये अंदर ना आए, और आए तो सब कोई होना नहीं चाहिए आसपास। नहीं खड़ा रहेगा ये, कम ऑन बेबी कम इनसाइड। ये अटैक खा के ही जाएगा बस, अब फिर से ही है ये, ढूंढ रहे हैं अभी भी पागलों की तरह। ढूंढो ढूंढो, ओके तीसरा भी आ गया, वेरी नाइस। इतनी दूर से भी ले गया, ओ पूरी बर्फ ही जमा के जाएगा ये माथे पे। यही एक प्रॉब्लम है इस पूरे क्वेस्ट में, और तो कोई मुझे अभी तक दिख नहीं रहा, और यहाँ पे ऐसा कोई मिशन नहीं है कि मेन बॉस है उसको मारो या ऐसा करो, नहीं। और इसका कोई बाइफर्केशन भी नहीं है कि कोई चैप्टर वन है या क्वेस्ट टू है, आप किसी भी पैटर्न में मतलब सिर्फ गेम को खेलते जाओ एंड जो जो मिशन आएंगे उनको कम्प्लीट करते जाओ। ओ हट जा हट जा हट जा, ठीक है बच गए। यस बिल्कुल, मुझे बस अंदर पहुंचने दो और इस छठे बंदे को बचाने दो। दूर से देख के ऐसा लग रहा है ये मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन का डॉक्टर डूम, फैंटास्टिक फोर में जो है डॉक्टर डूम वही वाला। सो लास्ट लास्ट और एक रह गया। सो गाइस अच्छा एक चीज मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन से मुझे याद आई, मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन बेसिकली एक मोबाइल गेम है जो कि मार्वल कैरेक्टर के बेस्ड पे है, एंड काफ़ी टाइम से मैं वो गेम खेल रहा हूँ लेकिन उसके ऊपर मैंने वीडियोस वगैरह कभी नहीं बनाई। सो अगर आप भी मार्वल के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप वो गेम खेलते हैं या खेलना चाहते हैं और उसके बारे में कोई स्ट्रेटजी वगैरह जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या मैं वो गेम की वीडियोस अपलोड करूं या कुछ उसमें पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग जानना चाहते हैं। सो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता हूँ, एंड ऑब्वियसली ओ ओके सो मिशन कंप्लीट, अब डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो एक्रोमेंटुला और यहाँ पे मकड़ियाँ ही होंगी। हाँ तो मैं बता रहा था मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियन के बारे में, तो अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो ऑब्वियसली अपलोड करूँगा। एंड ट्रस्ट मी, चाहे वो मास्टरी से रिलेटेड है या कैरेक्टर के गाइडेंस के ऊपर है, किसी चीज़ के ऊपर है, आप बस मुझे कमेंट करके बताइए, उसके बारे में मैं वो वीडियो आपको ज़रूर 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 अपलोड करूँगा। बट मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आई मीन लाइक मैं जानना चाहता हूँ कि लिटरली आप लोग उस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं ताकि मैं वो वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो फिलहाल अभी इसी गेम पे फोकस करते हैं वापस से, एंड मकड़ियों के जंजाल में यहाँ पर, यहाँ मकड़ियाँ मारनी है या मुझे भागना है यहाँ से। कम ऑन पीछे कोई तो अटैक कर रहा है, मकड़ियाँ ही होंगी और कौन होगा। ये निकल कहाँ से रही है, ओ, ओ देखा एक ही जगह से मार रहा हूँ और ये बार 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 निकल के आ रही है। ओ मैन भागो भागो भागो, ज्यादा रुकना नहीं है, भागते चलो। ओ ये रे चीज़ फॉर दैट, और कम ऑन मकड़ी, ये मकड़ियां भी इतना डैमेज कर सकती हैं, मैं ये चीज देखना नहीं चाहता बट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ और वापस
इसको टेस्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि देखो कोई अब मार रही है। अब ये दूर से पता नहीं कैसा अजीब व गरीब सा लिक्विड फेंकती है या वेब शूट करती हैं, पता नहीं क्या है, बट वो डैमेज करता है। ओ कोई बंदा है, देखा धुंध के पीछे वो चल रहा है। चलो वहीं चलते हैं, और ये इधर ही आएगा। यस वो इधर ही आएगा। ये ओ मैन, पता होने के बावजूद अरे भागा रहा है। अच्छा बुला लिया इसने, साथ के बंदों को बुला लिया। बट कोई आया नहीं। ये भी कमाल की बात है ना। नाइस, ये तो बहुत सही है, लोकेशन बिल्कुल डरावनी। इसको हॉरर गेम के लिए यूज करना चाहिए। यस यस, दूर से देख के तुरंत रिफ्लेक्स इसने काम किया। इन्वेंटरी फुल, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और ऐसे कैसे कितने शैतान यहाँ बैठे हुए हैं। फिलहाल तो एक मगलू है, यहाँ कोई आसपास होना नहीं चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, इट्स ओके। दो गए, एक और बचा बस। ओ पूरा पूरा झुंड इसके सिर पे गिरी जा रहा। यस पेड़ पे निशाना। ये क्या है, कितना भागेगा भाई। बाबा एक सेकेंड और, एक सेकेंड, कोई है जो मुझे मार रहा है। ओ मैन, ये रहा वो मारने वाला, बिल्कुल बगल में ही खड़ा हुआ है। सही में सोचते भी इतना इतना भी बुरा नहीं खेल रहे हम, कितना डैमेज हमें मिल रहा है। वो फिर से आया क्या? यही आया। मारो बेटा मारो, अलग अलग मैजिक मारो, यहीं खड़ा हो जाता हूँ। ओ फिर से आया। Come on. Yes. ये तो एक अच्छा बेनिफिट है। Come on, come on. ये क्या हो गया? इससे जाएगा दूर। यही एक अच्छा तरीका है। सही जगह निशाना। अरे यार ये मजाक ही बना दिया इन्होंने। इसी लोकेशन पे बार बार बंदा आएगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। फिर से कोई आया, पीछे ही है, भाग चलते हैं। मजाक ही बना दिया इसने, उधर ही है। बात नहीं, सिर के निशान है एकदम। ये परेशान कर रहा है, ये लिटरली वाकई परेशान कर रहा है। ये देखो फिर से वही। कम ऑन यार, हद होती है चीटिंग की भी। पहले मगलू को छुड़ाता, इनको मारने का कोई फायदा है नहीं। मारते रहो तुम स्टूपिफाई। चलो तीसरा मगलू आ गई होगा। ऐसा सीन गॉबलेट ऑफ फायर में था, जब वो इस सुनसान सी गुफा में से निकल रहे होते हैं, तब वहाँ पूरी धुंध ही धुंध होती है। ओह मैन, ये क्या हुआ, ये कौन सा पोशन था? एक्सप्लोसिव पोशन था शायद। ये रहा,
हमारा आखिरी, पी लो पी लो पी लो सारा का सारा। थैंक गॉड, इसको भी ले लो और इसको बचा लो। जाओ भागो और मेरा मिशन कंप्लीट। सो लास्ट द क्वेरी, द लास्ट चेक पॉइंट, द क्वेरी, तीसरा ये मिशन हमारा, जिसको पार करने के बाद फाइनली हम हरमाइनी के पास पहुंच जाएंगे, उस अपने बेस कैंप में जो उसने तैयार करके रखा हुआ है, जो किसी की नज़र में नहीं आएगा। एंड फिर आगे स्टोरी क्या होगी वो भी पता चलेगा, बट उसके लिए पहले हमें इसको पार करना है। होल्ड आउट अगेंस्ट द अटैकिंग एनिमीज। डन। और कहा था ये है, ये सही है, कॉन्फ्रेंट जो मारो फेरी खत्म। एक और गया भाई, एक नहीं दो नहीं, ओह डॉच किया इसने। ऐसा ये कर सकते, मुझे आइडिया नहीं था। चेंज करने में फायदा है, कॉन्फ्रेंस जो मारने में इतना टाइम जा रहा है कि मतलब मैं तो सामने वाला काफी अटैक कर दे रहा है। कम ऑन, सामने वाले प्लेयर भी अपग्रेड होके आए हुए हैं क्या? कितने आए हैं यार? We won't hurt you, पत्थरों के पीछे छिपे, मैं ही जाके मारूंगा, रुक। धर्म अधर्म की लड़ाई है ये। ओ ये तो कुछ ज्यादा ही पास है धर्म अधर्म की लड़ाई में। एक से दो शिकार, जी हाँ। ये किधर आया? जहाँ भी आए हो बस ब्लॉक करके रखो अभी तो। ओह वो रहा, दिखा शायद, कोई बात नहीं, वही है क्या, वही है क्या? समझ नहीं आ रहा मुझे, लोकेशन चेंज करते हैं, शायद उसी से कुछ हेल्प मिल जाए। ये तो कहीं बीच में आ गया। दिख गया बेटे, तो दिख गया, अब बताऊंगा मैं तुझे। बस कर दो यार, और ये थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फाइट्स किए उसमें हरमाइनी या रॉन हमारे साथ रहता है, तो हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इस बार ऐसा है कि हमें अकेले ही एनिमीज के अगेंस्ट होल्ड करना है इस पूरी जगह को। बट ये जगह कौन सी, और ये टास्क क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका कोई सेंस नहीं है। मतलब ये था कि हरमाइनी को कैंप लगाना है, तो जा हरी कोई भी तीन इक्के दुक्के टास्क करके आ जा। ओ भाई लगा, कम ऑन, ओ इधर ही आया। एक हो रहा ऊपर, वो हर जगह इधर ही है क्या सारे के सारे? हाँ यही है। ये रहा एक और, कम ऑन, दो तो मुझे पता है, एक पहाड़ी के ऊपर है। ओह मैन, अरे यार किसने मारा, कहाँ से मारा? ये गया, अच्छा ये रहा पहाड़ी के ऊपर गया। रुक जा बेटा, तू भी जाएगा।
ओह मैन, मजाक ही बना दिया ना तो। और कोई कितना टफ बना रखा है इन लोगों ने इस चीज को। माना गेम में हम काफी आगे तक आ चुके हैं, मतलब जहाँ से गेम शुरू हुआ था एंड हैरी पॉटर को उसके साथियों ने रूप बदल के बचाने की कोशिश की थी और वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी 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 टाइम गुजर चुका है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि गेम को टफ बनाना है तो एक ये क्वेश्चन डाल दो गेम में सर्वाइव करने का, गेम ऑटोमेटिकली टफ हो जाएगा, वो भी अकेले बिना किसी की हेल्प के। नॉट वर्थ, कहीं तो काम आया पोशंस। ग्रोटिंग गैस यही है। अबे यार अभी भी कोई बचा हुआ है, और है किधर? सबसे मजे की बात यह है कि हमें पता ही नहीं कि है किधर। अब पता चल गया, देखा कहाँ गया। सीरियस, ये आ गया आधा मैन था तो दूसरी भी इधर ही पीछे है। रुक जा बेटा, दिख गई तू। यहाँ से मारूंगा इसे। अब भाग। वो रही, देखा? बस, इतने हेडशॉट के लायक थी ये। डन? नहीं, फिर से आए शायद। ओ भाई, माना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वेव्स आती हैं गुंडों की। यहाँ तो इन्होंने चरम सीमा के भी सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। भागो यहाँ से, यहाँ से भागो, ये घेर के ही मार देंगे मुझे। एक और गया, एक तो ये रही सामने, दो हैं, दो हैं, दो हैं, तीन। अब यार मजाक है, गुड। अबे मैं जितना काउंट करता हूँ उससे एक बढ़ जाता है हर बार। गया, ओ एक पीछे आ गया फटाक से। कहाँ है ये रहा कोई, छोटे छोटे हथियार फोड़ रहा है वो रहा। दिख गया, आ जाओ तुम, आ जाओ। डन, मिशन कंप्लीट। ओके गाइस, तो यही था इस वीडियो के लिए एंड फाइनली हम हरमाइनी के पास पहुंच गए हैं। I mean, it's a place we'd think of, and somewhere Dumbledore knew well. But it's a place you know who would think of too. It would be dangerous. Okay, so camp pimp लगाया कुछ नहीं, हमने एक side mission पे दिया और वहाँ से गायब हो गए। Godric Gryffindor. Obvious, isn't it? Where else would Dumbledore hide Godric's sword? Dumbledore and Bathilda Bagshot lived here too. Okay, so Dumbledore की उस तलवार को ढूंढने के लिए ये लोग finally अब गरुड़ द्वार के गांव में आ गए हैं। एंड यहाँ क्या होता है ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक वो गेमर जो गेम की दुनिया को एंजॉय करना चाहता है वो इस तरीके की मज़ेदार वीडियोज़ को देखे एंड बस अपना दिन बनाए। सो गाइज़ आगे की वीडियो के लिए चैनल पर ज़रूर वापस आएँ, तब तक के लिए बाय बाय।